ਸਤਿਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭਰਮੇ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਭਰਮਾ ਕਰੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਰੇਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਲੂੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਇਹਦੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ इस तरह के बीज जो सारे कट देंगे आप भर के बनावांगे अज करेले इस तरह आप सारे करेलिया के बीज कट देंगे इधर आप मसाला बनाने लिए प्याज दो बड़े प्याज ले ले मैं एक टमाटर लसन दी गंढियां ले लिया थोड़िया जी तो दो हरिया मिर्चा तो इन्हों आप मिक्सी कप च पा के ग्राइंड कर लेंगे लो जी आप करेले जोड़े सारे के बी कटते देखो इस तरह कट लगा लिया इन्होंने तो हूँ आप करेलिया के नून लावे ये नून अपने को थोड़ा थोड़ा अपना नून ला के इसमें 10-15 मिनट लिए इस तरह रख देंगे तो उस तो बाद आप कपड़ा लेके किसी कपड़े के ना जो नून है साफ कर देंगे बिल्कुल भी कौड़े नहीं बन गए आप इस तरह करेले बनाए पहला मैं चंगी तरह धोले से करेले दो तीन बारी पहले साफ कर ले सके लो जी सारे करेलों से आप नून इस तरह ही ला के रख लें तो उधर आप मसाला तैयार कर लेने करेले भरने लसन तो टमाटर हरिया मिर्चा का पेस्ट बना लिया तो हूँ आप तड़का लाने लो जी कड़ाही के आप सरों का तेल पावे मसाला भुनने लिए करेलों का तो तेल जो थोड़ा जहा ही पाना पैंता अपन क्योंकि मसाला थोड़ा ज़्यादा होंगे इस करके आप दो कड़छियां पा लिया तो इस तरीके बनाए करेले कदे भी कौड़े नहीं बन गए बहुत वधिया बन गए अपना तेल हो गया गर्म चंगी तरह तो गर्म कर लिया चंगी तरह तेल में तो हम आप जीरा पावे ये एक चमचा जीरा भुनने तो बाद आप जो प्याज लसन का दिता पेस्ट बना के रखे से बहुत पा लेंगे प्याज लसन अपना देखो भुज चुका मैंने 5-6 मिनट हो गए भुनी जाते इस तरह तो हम आप पा दें लून मिर्च हल्दी पाउडर पावे अद्धा चमच आप अद्धा चमच लाल मिर्च का एक चमचा मैं लून का पाऊंगी एक चमचा गर्म मसाले का पा के मसाले आप मिक्स कर देने चंगी तरह लो जी अपना मसाला बन के तैयार है देखो करेले भरने लिए हम आप थले ला लें कड़ाही ठंडा होने लिए रख दें हम आप जो करेलिया नून ला के रखे से तो आप कपड़े के नाल इन्हें साफ कर लें लो जी मैं करेले सारे साफ कर लिया जो नून लगाया सी तो हम आप इन्हें भर लें मसाले के नाल जी आप इस तरह भर लें सारे करेले अपने लो जी करेले अपने सारे भर ले आप हम आप इधर कड़ाही रख लीए साफ करके कड़ाही दुबारे आप साफ करके रख लीए तो हम आप तेल पाने
लो जी तेल गर्म हो गया तो हम आप करेले पा देने कला कला पीस करके तो कई ये उपर धागा भी लपेट लेंगे रील का तो मैं धागा नहीं लपेटिया मैं इस तरह बनाऊंगी लो जी सारे करेले रखते हैं मैं उपर तो हम अपने हौली हौली हिलाई चलेंगे जिमें जिमें बने जाएंगे लो जी अपने हौली हौली कड़छी के नाल उत्ते कर देंगे पासा इन्हों का बदल देंगे तो सारे पासा तो चंगी तरह पक जाएंगे लो जी आप चंगी तरह उपर नीचे करते तो हम आपने ढक के रख दें एक दो बार इस चेक करा आप दो तीन मिनट ढक के रखा बाला टाइम नहीं लो जी दो तीन मिनट हो गए सी तो हम आप चेक कर लें धागा बनने की कोई लड़ नहीं देखो मैं धागा नहीं बनने तो मसाला इन्हों का फिर भी जमा नहीं निकलता है पर इन्होंने हौली हौली हिलाई चलो चंगी तरह पक जाएंगे फिर दोबारा तो फिर पटक के रख दें तो दो तीन मिनट बाद चेक करा हम आप अपनी सब्जी बन गई है देखो करेले चंगी तरह अपने दोनों पासों तो पक चुके हैं लो सब्जी बन गई कड़ाही आप ला ली नीचे तो अपने तेल के बाहर कढ लाँगे बर्तन च कढ लाँगे इस तेल आप दोबारा तो फिर इन कम ले सकते हैं देखो सारे पासे तो करेले चंगी तरह पक गए तो मसाला जोड़ा वह भी बाहर नहीं निकले देखो तो कौड़े भी नहीं बनने बिल्कुल वधिया करेले बन गए आप जो साड़ी वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ साडा चैनल सबसक्राइब कर लो लाइक तो शेयर करके सानू जरूर दस्या करो साड़ियां वीडियो देखने लई तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद जी।